साल 1998 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म कुछ कुछ होता है उन यादगार फिल्मों में से एक है जो आज भी घर घर देखी जानी पसंद की जाती है, क्योंकि इसमें काम करने वाले एक से बढ़कर एक जबरदस्त कलाकारों ने फिल्म को लोकप्रिय बनाने में काफी सहायता किया और लोगों का भरपूर मनोरंजन किया है। लेकिन दोस्तों, आज इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 25 साल हो चुके हैं, पर इन सालों में क्या आप फिल्म के दमदार सितारों से मिले हैं और जानते हैं कि आज वो कहाँ, किस सिचुएशन में और कैसे लाइफ स्पेंड कर रहे हैं? शायद नहीं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको फिल्म के टॉप 5 सितारों के बारे में ये सारी जानकारी देने वाले हैं। तो फिर आइए एक नजर डालते हैं उन पर। नंबर 1, सना सईद। फिल्म की असली जान यानी कि बच्ची अंजलि का किरदार निभाने वाली चाइल्ड आर्टिस्ट सना सईद, जहाँ फिल्म में निक्का टी शर्ट और प्रकटी बालों में हेयर बैंड लगाती हुई अपने मासूम से चेहरे पर प्यारी से स्माइल के लिए काफी क्यूट दिखाई देती, पर अब ये 34 साल की उम्र में काफी स्टाइलिश बोल्ड और नौजवान दिखती है। बता दें, अभी ये कुंवारी और मुंबई में पेरेंट्स के साथ खुश है। साथ ही साल 2019 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से करियर को विराम दे चुकी हैं। हाल ही में इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से सगाई की है और जल्दी ही उनसे शादी करके सेटल भी होने वाली हैं। नंबर 2, रीमा लागू। वहीं बड़ी अंजलि की मां मिसेस शर्मा बनी एक्ट्रेस रीमा लागू, जहां कॉटन साड़ी में जूड़ा बांधे सादगी भरे अंदाज में मोटी तगड़ी और ठीक ठाक नजर आई थी, पर अफसोस ये 58 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के चलते दुनिया से चल बसी हैं, जो कि अपनी बेटी मृण्मय लागू के साथ मुंबई में रहती थी और लास्ट बारी हमें 2017 में नामकरण सीरियल में नजर आई थी, क्योंकि इसी सेट के दौरान इन्हें दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हो गई थी। नंबर 3, फरीदा जलाल। फिल्मों में मिसेस खन्ना के रूप में बड़ी अंजलि का सहारा बनने वाली एक्ट्रेस फरीदा जलाल, जहां सफेद साड़ी पहने चश्मा लगाए जोड़ा बांध बहुत साधारण दिखाई दी थी, वहीं अभी ज्यादातर सफेद कपड़े में उम्र के साथ ढलती हुई बूढ़ी हो गई। बता दें, आज ये विधवा होती हुई अपने इकलौते बेटे के साथ बुढ़ापे की जिंदगी मुंबई में गुजार रही हैं, जिन्हें आखिरी बार हमने सतरंगी ससुराल शो में देखा है। नंबर 4, फरजान दस्तूर। तुस्ती मत जाओ डायलॉग बोलने वाला बच्चा साइलेंट सरदार जी बना चाइल्ड आर्टिस्ट फरजान दस्तूर, जहां फिल्म में क्यूट से मासूम से सरदार जी लुक में नजर आए थे, पर अब ये 31 साल की उम्र में नौजवान हट्टे कट्टे गोल चिट्टे और पहले की तरह ही मासूम और नौजवान दिखाई देते हैं। बता दें, आज ही अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड डेलना श्रॉफ से शादी कर मुंबई में सेटल हो गए हैं और आखिरी बार ब्रेकअप के बाद मूवी में नजर आए हैं। नंबर 5, हिमानी शिवपुरी। इसके साथ रिफत बी के किरदार में एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी, जहां नॉर्मल सूट कैरी करती हुई मॉमडर्न लुक में काफी साधारण नजर आई थी, वहीं अभी 62 साल की उम्र में ठीक ठाक साड़ी सूट में लाइट मेकअप के साथ उम्रदराज लगती हैं। मालूम हो आज ये विधवा हैं और बेटे के साथ मुंबई में रहती हैं, जो आखिरी बार 2018 में नानू की जानू मूवी में नजर आई हैं। वेल दोस्तों, आप फिल्म के और किस कलाकार से मिलना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे दमदार वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।